जीरो लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। श्री अनंतपुर साहिब से भगवान सिंह की खास रिपोर्ट। नंगल में लगेगा देसी विदेशी पहलवानों का जमावड़ा। 18 नवंबर को होने वाले रेसलिंग के फाइनल मुकाबलों के लिए उचित प्रबंध की तैयारी शुरू। देश विदेश के 45 रेसलर नंगल के रेसलिंग मुकाबलों में होंगे शामिल। विधानसभा स्पीकर राणा केपी की माने तो रिवायती कुश्ती दंगल मुकाबले हमारे विरसे का एक अनमोल खजाना है, जिस प्रति नौजवानों को उत्साहित करके हमारे नौजवान पीढ़ी का सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। देखते रहे जीरो लाइन न्यूज। कि इस शो दे विच घटो घट 35,000 आदमी आउंदा है। सो क्योंकि जे 35,000 बंदे दी उम्मीद है सानू, तां ओह फिर बेहतर होएगा असी NFL दे ग्राउंड विच। और पहला कल्चरल प्रोग्राम होएगा, और कल्चरल प्रोग्राम दे विच भी चोटी दे जिहड़े अपने सेलिब्रिटीज है, वड्डे वड्डे लोग जिहड़े है, जिन्हां दा नां आ सपना चौधरी है, होर दा बब्बू मान है, इदां दे लोकां नूं लिया के खास तौर ते नंगल च करो। और साडे इलाके दे जिहड़े बच्चे है उहनां नूं थोड़ा तो प्रेरणा मिले, उहनां नूं इक सेध मिले कि जे खली वर्गे पहलवान हिंदुस्तान की मिट्टी चो पैदा हो सकते हैं, पहलवान दारा सिंह वर्गे पंजाब की मिट्टी चो पैदा हो सकते हैं, वड्डे वड्डे लोग धर्मिंदर वर्गे कलाकार पैदा हो सकते हैं, राज कपूर वर्गे फिल्म साज पैदा हो सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि उही पंजाब दी मिट्टी है, इत्थों दे जिहड़े साडे बच्चे है जे उन्हां नूं सही सेध मिले तो जिंदगी च नवीआं मल्लां ना मार सकन। सो मेन जिहड़ा साडा फोकस है उह यंग बच्चिआं ते है, उन्हां दा जिहड़ा ख्याल है इस पासे नूं होए। गुरु महाराज ने कहा नचण कुदण मन का चाओ, ये नचना कुदना अखाड़े लाने, गुरु अंगद देव जी तो मल अखाड़ा लाया करते सी, और जेतू पहलवाना नू घेरे पीपे दिया करते सी। सो ये साड़ी विरासत है, उसकी एनर्जी नू प्रॉपरली चैनलाइज करने वास्ते असी उपराला करन लगे हैं। उन्हां नू इस गल की उड़ीक है कद 18 नवंबर आवे ते किवें असी 18 नवंबर दे इस जिहड़ा ये जिहड़ी इवेंट है इहनू मेमोरेबल बनाइए, हमेशा वास्ते दुनिया याद करे कि नंगल च भी ऐसा एक फंक्शन होया सी। बिल्कुल, ये जो नंगल चुना है स्पीकर साहब मतलब उन्होंने बताया था, हम बता रहे थे कि हमने लुधियाना कराना है, उन्होंने बताया कि आप लुधियाना बड़े बड़े शहर में तो होते रहते हैं, कभी छोटे शहर पे भी करो, क्योंकि छोटे शहर पे भी इतना ही जुनून है रेसलिंग का, रेसलिंग देखने का और करने का। जो मोस्टली आप लोग स्पोर्ट्समैन देखते हैं वो गांव से ही आते हैं, छोटे छोटे पिंड से आते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल मेरे को स्पीकर साहब की जो बात बिल्कुल मेरे को बहुत सही लगी है, तो बस उनके हिस्से में इधर आया हूँ। और जो हम शो करा रहे हैं यहाँ पर 18 नवंबर को, जिससे पहले जो हमारे कंपटीशन होंगे वो होंगे हरियाणा में पंचकुला और करनाल और अम्बोड़ा कैंट, और चौथा शो जो मेन शो है वो नंगल पे होएगा। तो स्पीकर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, DSP साहब, SP साहब, एक बहुत ही एक इंटरनेशनल का इवेंट बनाएंगे हम, ये जिसे हम टीवी पे देखते थे वही हिसाब से आप लगेंगे। ये नहीं लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं या नंगल में बैठे हैं, जबरदस्त हम एक बड़ा इवेंट करेंगे। आप वो तमाम लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आपने बात बताई पंजाब सारा ये जो जलंधर है, ऑलमोस्ट मेरे को आज 24-25 साल हो गई है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना भी मतलब सारे लोग बोलते हैं कि पंजाब पे अकेडमी क्यों खोली, आप हिमाचल के हैं, तो मैंने बताया कि भी पंजाब पे मेरे को ऐसा प्यार है, वहां से मेरे जैसे बोलते ना कि वहां से मेरी एक कहानी, वहां से मैंने एक मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, नौकरी मेरे को पंजाब वाले ने दी, और एक जो भी है मतलब
पंजाब के कारण हूँ, मतलब पंजाब ने मेरी जिसको बोलते ना कि बाह पकड़ी है, तो आज मैं मतलब ग्रेट खाली हूँ और WWE में गया वो भी पंजाब से गया, जॉब करी और भी पंजाब में करी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा पंजाब का। कुछ तो नंगल के ही होंगे, नंगल के भी है मेरे पास, और रोपड़ के और पंजाब के बहुत सारे लड़के पंजाब के होंगे और पूरे हिंदुस्तान के होंगे, और जो कुछ है वो फॉरेन के होंगे, जैसे अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका सारे मिले, तो बहुत बड़ा इवेंट बनाएंगे, क्योंकि अकेला ये उससे नहीं होगा कि अकेले अगर हम हिंदुस्तान के जो रेसलर को बुलाइए, पूरे वर्ल्ड से रेसलर को बुलाऊंगा और बहुत बड़ा इवेंट है। टोटल होंगे 40-45 रेसलर, 2-2 घंटे का चलेगा कल्चर प्रोग्राम और 3 घंटे का चलेगा रेसलिंग। बहुत लोग नशा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में नशा फैला है, तो मैं चाहूंगा कि भी नशा नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स करनी चाहिए, और ऐसे जैसे हम ये इवेंट करा रहे हैं ऐसे इवेंट हर जगह होने चाहिए, और दूसरे गेम के भी ऐसे इवेंट होने चाहिए, ताकि जो हमारा जो यूथ है उनका जो एक ध्यान है कोई गलत रास्ते की ओर नहीं जाए, उनका ताकि स्पोर्ट्स के ओर हम एक ध्यान बटा सकें।